हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि एक फ़िलोसफ़ी के स्टूडेंट के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ 7 करियर ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे। जैसे हमने एकेडमिया पढ़ लिया, जर्नलिज्म पढ़ लिया था, सोशल वर्क, एडिटर, ये हमने ऑप्शंस कर लिए थे, काउंसलर, एनजीओ, है ना, तो सिविल सर्विस। और आज हम बाकी के करियर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। उसमें से नेक्स्ट है पब्लिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो द टर्म पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आर ऑफन यूज इंटरचेंजबली, बट दे हैव डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन देयर फोकस एंड पर्पस। कि ज़्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। इनका पर्पस अलग होता है, इनका सब्जेक्ट मैटर अलग होता है। सो द पब्लिक स्पीकर इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर टू एनी वन हु डिलीवर स्पीच, प्रेजेंटेशंस और टॉक टू एन ऑडियंस। पब्लिक स्पीकर वो है जो पब्लिकली कोई भाषण देता है, प्रेजेंटेशन करता है ना, या कोई कम्युनिकेशन या नॉर्मल टॉक। सो पब्लिक स्पीकर कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एंड देयर प्राइमरी गोल इज टू इंफॉर्म, एजुकेट, इंटरटेन और परसुएड द ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, कि या किसी को एजुकेट कर रहे हैं या इंटरटेनमेंट हो रहा है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कोई कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये हो गया पब्लिक। सो पब्लिक स्पीकर में स्पीक ऑन वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और एनी फील्ड दे हैव एक्सपर्टीज इन। द फोकस ऑफ अ पब्लिक स्पीकर इज नॉट नेसेसरली टू मोटिवेट ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पीकर का जो मोटिव है वो क्या है कि ऑडियंस को मोटिवेट करें, बट रादर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इंगेज द लिसनर्स विथ रेलिवेंट एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। उनका जो पर्पस होता है वो ये कि वो ऑडियंस को कोई इंफॉर्मेशन दें या कोई एजुकेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से, टेक्नोलॉजी से, इनसे रिलेटेड वो कम्युनिकेट करें। पब्लिक स्पीकर्स में इंक्लूड एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस एंड थॉट लीडर्स अमोंग अदर्स। ये सब हो सकते हैं। एक एजुकेटर पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है। नाउ ऑन द अदर साइड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो अ मोटिवेशनल स्पीकर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकर। होते वो पब्लिक स्पीकर है, लेकिन उनको उनको हम सब सब कैटेगरी में रख सकते हैं कि पब्लिक स्पीकर के अंदर एक कैटेगरी है, वो है मोटिवेशनल स्पीकर की। सो टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकर हुज प्राइमरी पर्पज इज टू इंस्पायर, अपलिफ्ट और मोटिवेट द ऑडियंस। तो ये एक डिफरेंस है पब्लिक स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीकर में, कि मोटिवेशनल स्पीकर का जो मोटिव होता है वो ऑडियंस को मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशनल स्पीकर ऑफन यूज पर्सनल स्टोरीज, मोटिवेशनल टेक्निक टू इंकरेज पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इनको वो ज़्यादातर बात करते हैं कि लोगों को डिप्रेशन से बाहर करना, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को और ज़्यादा बढ़ाना, या नहीं है तो उनको लेके आना। सो द मेन फोकस ऑफ अ मोटिवेशनल स्पीकर इज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस माइंड सेट एंड एटीट्यूड, एम्पावरिंग देम टू टेक एक्शन, सेट गोल्स, ओवरकम चैलेंजेस एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। वाइल All motivational speakers are public speaker, not all public speakers are motivational speakers। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया, तो आप ये स्टेटमेंट समझ पा रहे होंगे कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो पब्लिक स्पीकर होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे पब्लिक स्पीकर मोटिवेशनल होते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ नॉन स्पीकर्स की बात करूं, तो आपने नाम सुना होगा सदगुरु जगी वासुदेव, स्पिरिचुअल लीडर, योगी एंड मिस्टिक। सदगुरु इज नोन फॉर हिज कैप्टिवेटिंग पब्लिक टॉक्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट।
ही ब्लेंड्स प्रोफाउंड फिलोसफिकल इंसाइट्स विद प्रैक्टिकल विजडम ह्यूमर एंड अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू इंस्पायर एंड एम्पावर हिज ऑडियंस. एंड नेक्स्ट वन इज गौर गोपाल दास. आजकल बहुत वायरल हो रही हैं इनकी वीडियो. एन एस्कॉन मॉन्क मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच नोन फॉर हिज टॉक ऑन स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट. ही कंबाइंस हिज फिलोसफिकल इंसाइट विथ प्रैक्टिकल विजडम टू इंस्पायर पॉजिटिव चेंज. और आपने एक और नाम बहुत सुना होगा, सिस्टर शिवानी या ब्रह्मा कुमारी शिवानी. अ प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल स्पीकर नोन फॉर हर इंसाइट ऑन सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस एंड माइंडफुलनेस. सो ये तो कुछ स्पीकर हैं जो बहुत नोन हैं. और देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं तो आप एकदम से बन जाएंगे. इट टेक टाइम. धीरे धीरे आपका जो कंटेंट है, आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के थॉट डिलीवर कर रहे हैं और वो कितने बेनिफिशियल हैं सोसाइटी के लिए. और आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, आपका जो पर्पस है वो क्या है. और धीरे 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 जब आप फेमस होने लगते हैं या लोग आपसे आपकी बातों को समझने लगते हैं, कन्विंस होने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे वो टैग आपको मिलने लगता है. और अगर हम बात करें कि मोटिवेशनल, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है कि आप बोल सकते हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते, है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है. तो ऐसा नहीं है. मोटिवेशनल स्पीकर्स कैन अर्न मनी थ्रू वेरियस एवेन्यूज बाय लेवरिंग देयर एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू इंस्पायर एंड एंगेज ऑडियंस. सो फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग एंगेजमेंट, है ना. सो पहला ये है कहाँ कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं. स्पीकिंग एंगेजमेंट क्या है. द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोटिवेशनल स्पीकर इज थ्रू स्पीकिंग एंगेजमेंट्स. They are invited to speak at conference, corporate events, seminars and workshops. Depending on the level of fame and demand, speakers can command different fees for their service. है ना, कि आप चार्ज करते हैं कि आप कितना लेंगे कहीं जाने का, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि अर्न नहीं कर सकते. Keynote address. Motivational speakers may be invited as keynote speakers for major events. And they can charge higher fees for delivering the central and most important speech of the event. Next is seminar and workshop. So motivational speakers organize their own seminars and workshops, charging participants a fee to attend and learn from their expertise. Books and products. Motivational speaker often write books, e-books, or create other educational products such as online courses or training materials and earn royalties or revenue from the sales. जैसे कि अब देखिए YouTube में भी, जैसे कि ये मेरा जो चैनल चल रहा है ना, तो ये तो educational चैनल है. इसी तरह एक motivational speaker भी अपना चैनल चला सकते हैं जहाँ पे वो अपनी स्पीच या अपना प्रेजेंटेशन की वीडियो डाल सकते हैं, है ना. वहाँ से भी रेवेन्यू आप ले सकते हैं. जैसे आजकल इंस्टाग्राम में या फिर और जो शॉर्ट रील्स का जो ट्रेंड चला है, वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं अर्न करने के. ऑनलाइन इवेंट एंड वेबिनार. विद द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स कैन होस्ट वर्चुअल इवेंट्स, वेबिनार और ऑनलाइन कोचिंग सेशन, चार्जिंग अटेंडीज अ फी फॉर एक्सेस. Next is coaching and consulting. Some motivational speakers offer corporate training program. ये तो हम next में आ गए corporate training में. Coaching and consulting का क्या है कि speakers may offer one-on-one coaching or consulting service to individuals or organizations seeking personal or professional development. And last one is corporate training. So some speakers offer corporate training program addressing specific issues within a company such as leadership development or team building. So it is important to note that building a successful career as a motivational speaker takes time. As I said, time, effort and a strong personal brand. Speakers need to continually refine their speaking skills, create valuable content, network with event organizers and market themselves effectively
टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड जनरेट इनकम फ्रॉम देयर मोटिवेशनल वर्क. नाउ नेक्स्ट इज लॉयर. सो लॉयर्स गिव लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंट पीपल एंड कंपनी इन कोर्ट. दे माइट स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉ सच एज क्रिमिनल, सिविल और कॉरपोरेट. Lawyers must have a thorough understanding of legal institution and law and be committed to justice. They should have a strong communication and analytical skill and be able to create thoughtful and persuasive argument. Philosophy is one of the best, if not the best, major to prepare you for law school. It trains you in a kind of logical reasoning एंड कंसेप्चुअल एनालिसिस दैट लॉ स्कूल रिक्वायर्स. तो फिलोसफी आपको वो ट्रेनिंग देती है जो लॉ इंस्टीट्यूशन में ज़रूरी होता है. एंड ऑल्सो टीच यू अबाउट द एथिकल एंड पोलिटिकल रीजनिंग दैट अंडरलाई आर लीगल सिस्टम. क्रिटिकल थिंकिंग में अगर हम बात करें, सो बोथ लॉ एंड फिलोसफी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल. लॉयर्स एंड फिलोसोफर analyze complex issue, evaluate arguments and develop logical reasoning to reach conclusion. And logical reasoning ki agar hum baat kare, so law and philosophy rely on logical reasoning dono. So lawyer construct logical argument and use deductive and inductive reasoning to support their positions, while philosophy employ logic in examining concepts, making arguments and assessing validity. सो आप देखो कि फिलॉसफी और लॉ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और इसलिए मेरी एक जूनियर थी जिसने बाद में जाके लॉ की पढ़ाई करी थी. सो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. नेक्स्ट इज एथिसिस्ट. एन एथिसिस्ट इज एन इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज इन अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी that deals with question of morality, value and principle governing human behavior. Ethicists examine and analyze ethical theories and frameworks to address complex moral dilemmas and ethical issues in various contexts, including personal, professional, social and political ethics sphere. So ethicists may work in academia, conducting research and teaching ethics at universities and college. तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ theory पढ़ने वाले बन के रह जाएंगे ना, कि बस नीतियों की बात कर रहे हैं क्या सही क्या गलत. नहीं, आप उससे अर्न भी कर सकते हैं, आप अकेडमिया में जा सकते हैं, आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. दे मे ऑल्सो वर्क इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग बायो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, सोशल एथिक्स, पोलिटिकल एथिक्स. सो फॉर एग्जाम्पल बायो एथिक्स, तो एथिसिस्ट इन दिस फील्ड एग्जामिन एथिकल कंसिडरेशन इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग एंड इशू रिलेटेड टू लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इस तरह से बिजनेस एथिक्स में हम बिजनेस से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल एथिक्स में हम इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, है ना, वो जो इशू, ये एक तरह से कैटेगराइजेशन है. एथिक्स के अंदर भी डिवीजन है, क्योंकि एथिक्स हर फील्ड में पढ़ी जाती है ना. सोशल एथिक्स हो गई, पॉलिटिकल एथिक्स हो गई, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको किस फील्ड में जाना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं. एथिसिस्ट इंगेज इन डिस्कशन अबाउट वॉट एक्शन आर राइट और रॉन्ग, द नेचर ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड हाउ मॉरल चॉइस शुड बी मेड. So their work often involves critical thinking, reasoning and dialogue to promote ethical awareness, responsible decision making and a deep understanding of ethical dilemma, जो philosophy पढ़ने से बहुत जल्दी improve होती है आपकी, क्योंकि philosophy में हम different semester में ethics पढ़ते हैं. कभी first में है, second में एथिक्स हो गई, फिर बायो एथिक्स एक सब्जेक्ट है, अप्लाइड एथिक्स एक सब्जेक्ट है ना. तो इस तरह से हम एथिक्स पढ़ते रहते हैं. सो एथिसिस्ट में ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉन एंड कंसल्टेंट्स, एडवाइजर,
और मेंबर ऑफ एथिक्स कमिटी टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन एथिकल इश्यूज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से भी आप अर्न कर सकते हैं। देयर एक्सपर्टीज इन इज एसेंशियल इन एड्रेसिंग मॉरल चैलेंजेस एंड फॉस्टरिंग एथिकल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज लॉजिशियन। जिस तरह से फिलोसफी का एक सब्जेक्ट एथिक्स है, उसी तरह से एक सब्जेक्ट लॉजिक भी है। सो अ लॉजिशियन इज एन इंडिविजुअल हु स्पेशलाइज इन स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक विच इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी लाइक एथिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन। सो लॉजिशियंस एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाइंग फैलसीज एंड डेवलप मॉरल सिस्टम टू रिप्रेजेंट एंड इवेल्युएट रीजनिंग प्रोसेस। सो दे यूज सिम्बॉलिक नोटेशन एंड फॉर्मल लैंग्वेज टू स्टडी द वैलिडिटी एंड द साउंडनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडिंग अ रिग्रस फाउंडेशन फॉर क्लियर एंड कंसिस्टेंट थिंकिंग। सो हेयर आर सम वे अ लॉजिशियन कैन अर्न। कैसे आप कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज अकेडमिया। सो मैनी लॉजिशियन परसू करियर इन अकेडमिया बिकमिंग प्रोफेसर और रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। दे कैन टीच लॉजिक कोर्स, कंडक्ट रिसर्च इन लॉजिक रिलेटेड फील्ड एंड पब्लिश अकेडमिक पेपर्स। नेक्स्ट इज फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, है ना? तो आप फिलोसफी और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। सो लॉजिशियन विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फिलोसफी और मैथमेटिक्स में फाइंड पोजिशन इन फिलोसफी और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट टीचिंग लॉजिक और रिलेटेड कोर्स। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लॉजिशियन मे वर्क इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लॉजिक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, कंडक्टिंग रिसर्च एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अकेडमिक और अप्लाइड प्रोजेक्ट्स। देन नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक ऑथर। सम लॉजिशियन राइट टेक्स्ट बुक फॉर एजुकेशन मटेरियल ऑन लॉजिक अर्निंग रॉयल्टीज फ्रॉम बुक सेल। लॉजिक सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट। सो लॉजिशियन विद प्रोग्रामिंग स्किल कैन वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा यूज हो रही है कि आप असली और जो नकली है उसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि क्या जो ओरिजिनल है और क्या डुप्लीकेट है, इसमें आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रांग हो गया है। तो उसमें भी, उस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। तो लॉजिशियंस विथ बैकग्राउंड इन मैथमेटिकल लॉजिक कैन वर्क इन डेटा एनालिसिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लॉजिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एंड द लास्ट इज लॉजिक ट्यूटरिंग एंड टीचिंग। ना अगर, क्योंकि लॉजिक के ना ट्यूटर मिलना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताऊँ, आप अगर सर्च भी कर रहे हो, कई स्टूडेंट सर्च करते हैं कि स्पेशली हमें लॉजिक का कोई टीचर मिल जाए तो मुश्किल होता है। सो लॉजिशियन कैन ऑफर ट्यूटरिंग सर्विस और टीच लॉजिक कोर्स प्राइवेटली और थ्रू ट्यूटरिंग सेंटर, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आपको कोई प्राइवेट मिल भी जाता है तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने भी पर्सनली, मैं बताऊं तो मैंने भी एज अ ट्यूटर, लॉजिक ट्यूटर अपना टाइम स्पेंड किया है। और सच में मुझे, जब मैंने किया तो मुझे पता चलता था कि लॉजिक के टीचर नहीं मिलते, क्योंकि उसमें जो बच्चे मुझे नहीं भी जानते वो भी पता लगा लगा के कहीं से आ रहे हैं कि कहीं हमने बहुत पता किया, हमें कहीं भी लॉजिक का टीचर नहीं मिला, है ना? तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर लॉजिशियन टू नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स इन रिलेटेड फील्ड, स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट इन लॉजिक एंड रिलेटेड एरियाज एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ देयर वर्क। एडिशनली दे मे नीड टू परस्यू फर्दर एजुकेशन सच एज PhD डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक करियर पाथ दे विश टू परस्यू। एज विद द स्पेशलाइज्ड फील्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉजिशियंस मे वेरी बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। आप किस लेवल के नॉलेज रखते हैं ये डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अर्न कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वर्क विद इंडिविजुअल्स फैमिली एंड कपल टू हेल्प देम ओवरकम मेंटल इमोशनल एंड रिलेशनशिप इश्यूज, है ना? जो जो साइकेट्रिस्ट आपने नाम सुना होगा, है ना?
तो कहीं ना कहीं फिलोसफी और साइकोलॉजी कहते हैं बहुत रिलेट करती है एक दूसरे से। सो आप वो भी साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। दे स्पीक विथ क्लाइंट इन अ प्राइवेट सेटिंग्स एंड हेल्प डायग्नोज एंड ट्रीट मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर। साइकोलॉजिस्ट मस्ट हैव एक्सीलेंट लिसनिंग कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल एंड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ पर्सपेक्टिव। ये वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, है ना, और फिर वो आपको बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपके बिहेवियर में है। तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट, एक तरह से आपको ट्रीटमेंट देते हैं। साइकोलॉजिस्ट मस्ट अर्न अ मास्टर और डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी आफ्टर रिसीविंग अ बैचलर इन अ रिलेटेड फील्ड सच एज फिलोसफी। जैसे आपने फिलोसफी किया तो उसके बाद आप मास्टर कर सकते हैं साइकोलॉजी में, है ना। तो आप दोनों से रिलेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है आप सोचो कि हमने फिलॉसफी में तो ग्रेजुएशन की थी और फिर एक डिफरेंट सब्जेक्ट में हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आप इन दोनों को बहुत रिलेट कर पाएंगे। और मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने ऐसा किया था, जो ग्रेजुएट होने के बाद उसने साइकोलॉजी पढ़ी थी और उसके बाद वो बहुत जगह उसने इंटर्नशिप किया और आज वो साइकेट्रिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट माइट ऑल्सो नीड टू गेट लाइसेंस इन देयर स्टेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट कैन अर्न अ लिविंग थ्रू वेरियस प्रोफेशनल एवेन्यू यूटिलाइजिंग देयर एक्सपर्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेस। सो अगर मैं कहूँ कि आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सो देयर आर सम ऑप्शंस। क्लिनिकल प्रैक्टिस, सो मैनी साइकोलॉजिस्ट वर्क एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफरिंग थेरेपी एंड काउंसलिंग सर्विस टू इंडिविजुअल कपल एंड फैमिली। दे मे हैव प्राइवेट प्रैक्टिस और वर्क इन मेंटल हेल्थ क्लिनिक, हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट इज अकेडमिया। साइकोलॉजिस्ट कैन परस्यू करियर इन अकेडमिया एज अ प्रोफेसर, रिसर्चर और लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, है ना, आप पढ़ा भी सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सो साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइजिंग इन IO, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग विथ एम्प्लॉय सिलेक्शन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड वर्क प्लेस डायनेमिक। नेक्स्ट इज काउंसलिंग सेंटर, ये आजकल बहुत चल रहा है काउंसलिंग सेंटर। साइकोलॉजिस्ट मे वर्क इन काउंसलिंग सेंटर एट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट डीलिंग विथ अकेडमिक, पर्सनल और इमोशनल चैलेंज। हेल्थ केयर सेटिंग्स, साइकोलॉजिस्ट कैन वर्क इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, कोलेबरेटिंग विथ हेल्थ केयर टीम टू एड्रेस पेशेंट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नीड्स एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, है ना। स्कूल्स में भी, स्कूल्स में सेम है कि वहाँ भी काउंसलिंग होती है बच्चों की। सो दे कैन वर्क इन स्कूल एज स्कूल साइकोलॉजिस्ट हेल्पिंग स्टूडेंट विथ एकेडमिक, सोशल और इमोशनल इशू। एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइजिंग इन फोरेंसिक साइकोलॉजी मे वर्क इन द लीगल सिस्टम प्रोवाइडिंग इवेल्यूएशन, एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड काउंसलिंग इन टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन लीगल केस एंड कंसल्टिंग। लास्ट इज कंसल्टिंग, दे कैन ऑफर कंसल्टिंग सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज इन एरिया सच एज ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय वेलबींग और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो फर्दर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट लाइसेंस और सर्टिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर एरिया ऑफ प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन इन देयर कंट्री और स्टेट। Additionally, psychologists can develop their reputation and build a client base through networking, marketing, and maintaining professional relationship within their field. So, the earning potential for psychologists may vary based on their specialization, level of expertise, location, and demand for their service. Next is yoga master or instructor. A philosophy student can become a yoga master or instructor. ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। The study of philosophy and yoga can complement to each other. As both discipline explore the nature of mind, consciousness and human experience.
योगा इज अ होलिस्टिक प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेट द एंशियंट इंडियन इनकम्पासेस फिजिकल पोस्चर, जिसको हम आसन बोलते हैं, ब्रीथ कंट्रोल प्राणायाम है ना, एंड एथिकल मेडिटेशन ध्यान, एथिकल गाइडलाइन फॉर लिविंग यमा एंड नियम। तो ये देखिए हम फिलोसफी में पढ़ते हैं एक्चुअली, ये ना फिलोसफी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट अंडरलाइन योगा। फिलोसफी स्टूडेंट पर्टिकुलरली दोज हु स्टडी इंडियन फिलोसफी मे गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफिकल आस्पेक्ट ऑफ योगा, इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल दैट अंडरपिन इट्स प्रैक्टिस। द नॉलेज कैन एनरिच देयर ओन प्रैक्टिस एंड इनहेंस देयर एबिलिटी टू टीच योगा टू अदर। अब देखो ना, जैसे आप अष्टांगिक योग हो गया पतंजलि का, वो हम फिलोसफी में पढ़ते हैं। जैन जैनिज्म में जो फाइव वोज हैं, पंच महाव्रत, बुद्धिज्म में जो अष्टांगिक मार्ग है वो हो गया। तो हम योग बहुत पढ़ते हैं इंडियन फिलोसफी में। हम ध्यान की बात करते हैं, हम समाधि की बात करते हैं, हम माइंड कंट्रोल की बात करते हैं। तो फिलॉसफी और योग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित हैं। सो बिकम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और योगा मास्टर, वन टिपिकली नीड्स टू कंप्लीट अ योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम YTTP फ्रॉम अ रेपुटेबल योगा स्कूल और इंस्टीट्यूशन। आपको ज़रूरत है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके योगा मास्टर नहीं बन सकते, आप फिलॉसफी पढ़ने के बाद आप एक इंस्टीट्यूशन से, वेरीफाइड इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए योगा की। दीज प्रोग्राम्स ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन योगा आसन, एनाटॉमी, टीचिंग मेथडोलॉजी, फिलॉसफी एंड एथिक्स। तो सम योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑल्सो कवर आस्पेक्ट ऑफ योगिक फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, लाइनिंग वेल विथ अ फिलोसफी स्टूडेंट बैकग्राउंड। अब देखिए कि प्रोग्राम में तो एक पेपर भी है योगा फिलोसफी, जो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, और उसमें भी हम यही पढ़ते हैं द एसेंस ऑफ योगा, द डेफिनेशंस ऑफ योगा, जो थोड़ा थियोरिटिकल है बट प्रैक्टिस के लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। सो हेयर आर सम यूजफुल इंडियन फिलोसफी दैट यू कैन ड्रॉ अपॉन इन योर रोल एज अ योगा, एज आई सेड योगा फिलोसफी, ठीक है, जिसमें हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, उसमें यम नियम प्राणायाम ध्यान आसन इसकी बात करते हैं। भगवद गीता जिसमें हम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है ना, जैनिज्म का पंच महाव्रत हो गया, और अष्टांगिक मार्ग इन बुद्धिज्म। सो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर देर आर सेवरल वे You can earn a living through your expertise and passion for yoga. आप किस कहाँ से पढ़ा सकते हैं, जैसे आप कमा सकते हैं यहाँ से, टीचिंग ग्रुप क्लासेस है ना। वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर योगा इंस्ट्रक्टर इज टीचिंग ग्रुप क्लासेस एट योगा स्टूडियो, जिम, कम्युनिटी सेंटर और वेलनेस रिट्रीट्स। यू कैन चार्ज अ फी पर क्लास और ऑफर क्लास पैकेज टू स्टूडेंट। आप ये आपके ऊपर है, आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, किस हिसाब से चार्ज करना चाहते हैं। प्राइवेट सेशंस, मैनी पीपल प्रेफर वन ऑन वन अटेंशन एंड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन। यू कैन ऑफर प्राइवेट योगा सेशन टू इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप एंड चार्ज अ हायर फी फॉर पर्सनलाइज अटेंशन। कॉरपोरेट योगा, प्राइवेट हो गया, कॉरपोरेट योगा। Corporate yoga is gaining popularity as company recognize the benefit of offering yoga class to their employee. You can approach business to offer on-site yoga session or wellness program. Next is workshop and retreats. Conduct workshops, special events or yoga retreats. These can be a source of additional income and provide an opportunity to reach a broader audience. Online classes. ये बहुत हो गया। अब देखो pandemic में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ है, लोगों ने बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं योगा से। तो कंसीडर क्रिएटिंग ऑनलाइन योगा क्लासेस और कोर्सेज दैट पीपल कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, यूडेमी और योर ओन वेबसाइट कैन बी यूज टू होस्ट पेड और फ्री क्लासेस। योगा टीचर ट्रेनिंग, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज कंसीडर ऑफरिंग योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। This can be a significant source of income and also contribute to the growth of the yoga community. And last one is online membership or subscription. So offer exclusive content, live classes or ongoing support through a membership subscription model where students pay a recurring fee for access.
तो इस तरह से आप योगा टीचर बनकर अर्न कर सकते हैं। और मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने ऐसा किया था, जो आज बहुत सक्सेस योगा मास्टर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्राइवेट सेशन से बहुत अर्न कर सकते हैं, तो जैसे मेरे घर में भी मेरे योगा टीचर आ रहे हैं, उनका भी मतलब जो बैकग्राउंड है वो फिलॉसफी बेस्ड है, तो और उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिलॉसफी में आप बहुत कुछ ऐसा डील करते हैं जो आपको योगा की प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होता है। सो रिमेंबर दैट बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर एज अ योगा इंस्ट्रक्टर मे टेक टाइम एंड एफर्ट। इट्स इसेंशियल टू कंटिन्यू रिफाइनिंग योर टीचिंग स्किल्स, स्टेइंग अपडेट विथ इंडस्ट्री ट्रेंड एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस टू अट्रैक्ट स्टूडेंट और क्लाइंट्स। नेटवर्किंग, मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ रेफर्स कैन ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्सपेंडिंग योर योगा टीचिंग अपॉर्चुनिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल। सो दीज आर द करियर ऑप्शंस फॉर अ फिलोसफी स्टूडेंट। फिलोसफी आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट देती है, ठीक है? और किस तरह से देती है मैं आपको बताऊं। जैसे फिलोसफी में हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ह्यूमनिज्म, फेमिनिस्ट फिलोसफी, बुद्धिज्म, है ना, इंडियन फिलोसफी। तो हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, और हमारे अंदर जो स्किल्स आती हैं, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल आ गई, है ना, रीजनिंग, ये सब हमारे अंदर का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इम्प्रूव कर देता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द फिलोसफी इन्हेंस योर इनर स्किल सो मच दैट यू वर्क इन एनी फील्ड, इट्स इफेक्ट इज विजिबल इन साइड यू। सो ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट इन विच एरिया यू आर स्किल्ड और एफिशिएंट। ये आपको सर्च करना है कि आप किस एरिया में स्किल्ड हैं, निपुण हैं, और आप कि पसंद से आप उस एरिया में जाना चाहते हैं। अदरवाइज फिलॉसफी आपके अंदर बहुत बहुत कुछ इम्प्रूव करता है, जो आपको स्ट्रांग बनाता है अंदर से। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप फिलॉसफी को अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैंने बेकार ही फिलॉसफी पढ़ी है, मेरे लिए तो कोई यूज़फुल नहीं है। वो यूज़फुल कैसे है? क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस पे काम करती है, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने करियर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।